अध्याय राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया मेरे मेरे पुत्र मेरे पुत्र निज मेरी मन्नतों के पुत्र अपना बल स्त्रियों को न देना न अपना जीवन उनके वश कर देना जो राजाओं का पौरुष खो देती है लमुएल राजाओं का दाखमधु मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं भवता, ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे मदिरा उनको पिलाओ जो मरने पर है और दाक मधु मन वालों को ही देना जिससे वह पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपना कठिन परिश्रम फिर स्मरण न करे कुंगे के लिए अपना खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रो का न्याय कर भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मुंगों से भी बहुत अधिक है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है वह रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है रात को उसका दिया नहीं बूझता वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं वह तकिये बना लेती है उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं जब उसका पति सभा में देश के पूर्णियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है वह बल और प्रताप का पहरावा पहनाए रहती है और आने आने वाले को, आने वाले को काल के विषय पर हंसती है वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री योवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी